Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are going to study about Class 6th History Chapter 4, What Books and Burials Tells Us. इससे पहले हमने ऑलरेडी तीन चैप्टर कवर कर लिए हैं हिस्ट्री के. आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इससे हम ये पता लगाएंगे कि बुक्स और जो बरियल्स हैं वो हमें क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कि बुक्स से और बरियल्स से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट बुक्स जो हैं वो कौन सी रही हैं, तो हमारे यहाँ पे वी नो कि चार वेद्स हैं, फोर वेदास, द ऋग्वेद, द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो ये क्या हैं, सम ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स हैं वर्ल्ड में. कौन सी? चार वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. सो दीज आर few oldest books in the world. The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. जो oldest Veda जो composed हुआ है वो है Rig Veda. It is the first, fine? It is the first one which was composed. So, कितने साल पहले? Around 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1000 hymns called Sukta or Well Said. इस Rig Veda में क्या है कि 1000 से भी ज़्यादा hymns हैं. Hymns क्या हैं? जैसे कोई मंत्र हो गए, जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं ना, वो वाले मंत्र, fine? उनको हमने क्या बोला? Sukta. तो Rig Veda में क्या है? 1000 plus Suktas. सुक्त जिसे बोलते हैं, इनको वेल सेड भी कहा गया. सो ऋग्वेद इज लाइक द ओल्डेस्ट वन, कंपोज 3500 ईयर्स अगो एंड इट कंटेन्स 1000 प्लस हिम्स और सुक्तास. थ्री गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट ऋग्वेद के पीरियड में. तीन बहुत इंपॉर्टेंट गॉड्स रहे हैं. कौन से? वन इज अग्नि, सेकंड इज इंद्र, थर्ड इज सोम. तो ये क्या है, ऋग्वेद में जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेदास है उसमें तीन इंपॉर्टेंट गॉड्स रहे हैं जिनको कि बार बार फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड किया गया है. कौन कौन से हैं वो? अग्नि, वी नो द गॉड ऑफ फायर. इंद्रा, इंद्रा क्या है? वॉरियर गॉड, जो हम बहुत सारे टीवी सीरियल्स में नहीं देखते हैं, भगवान इंद्र, तो ये वही वाले इंद्र हैं, फाइन. इंद्रा वॉरियर गॉड एंड सोम. सोम क्या है? अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, बट देर इज लाइक हम बोलते हैं कि सोमरस. तो ये सोमरस कहाँ से आता है? कि ये एक स्पेशल प्लांट से हम लोग एक ड्रिंक बनाते हैं. तो वो जो गॉड थे वो कौन थे? सोम. तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो हैं गॉड्स रहे हैं ऋग्वेदा के पीरियड में, फाइन. इनको बार बार फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया है बुक में. दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस. इन जो सूक्त हुए हैं, जो सूक्ताज हुए हैं, इन हिम्स को कौन कंपोज करता था? ऋषि कंपोज करते थे. सो हमने बोला कि इन हिम्स को सेजेस कंपोज करते थे. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन. उस टाइम पे भी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड थी इस तरीके से कि जो मोस्टली जो ये हिम्स लिखे गए या जो ये हिम्स पढ़ते थे या जो पढ़ाए जाते थे वो मोस्टली क्या थे? मेन. मोस्टली जो मेन ग्रुप है वो ये हिम्स को पढ़ता था एंड पढ़ाते थे. बहुत ही जो फ्यू हैं
बहुत ही कम ऐसे सूक्त हुए हैं जो कि वुमेन ने कंपोज किए हैं. तो उस टाइम भी ये क्या है, सोसाइटी का बैरियर था, जेंडर गैप था. फाइन, तो बहुत जो मोस्टली जो हिम्स थे वो मेन कंपोज करते थे. बहुत ही जो फ्यू हिम्स हुए हैं दोज वर कंपोज बाय वुमेन. द ऋग वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. जो ऋग वेदा जो कंपोजिशन जो हुआ वो बहुत ही जैसे पुरानी जो वैदिक संस्कृत थी उसमें जो है कंपोजिशन हुआ. आज की संस्कृत से ये काफ़ी अलग है. दीज टू आर नॉट द सेम. द ऋग वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड. इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो हमारी बुक है, हमारी जो बुक है जैसे आपकी क्लास सिक्स की हिस्ट्री की बुक है, वो बुक पहले लिखी गई है, फिर प्रिंट हुई है, फिर आप उसको पढ़ रहे हो. फाइन, लेकिन ऋग वेदा में क्या हुआ कि उसको रिसाइट किया गया था, उसको पढ़ा नहीं गया, गया था उसको रिसाइट किया एंड देन उसको सुना गया था. फाइन, तो रिटन फॉर्म से पहले उसका क्या हुआ, उसको रिसाइट किया गया, उसको सुना गया एंड इस तरह से उसका कंपोजिशन हुआ. इट वॉज नॉट इन द रिटन फॉर्म. फाइन, इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो. जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसको पहले रिसाइट किया गया, इसको सुना गया एंड उसके बाद बहुत सालों बाद इसको पहली बार जो है रिटन फॉर्म में पब्लिश किया गया. फाइन, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. हिस्टोरियंस कैसे पढ़ते हैं ऋग्वेदा को. सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. कुछ जो सूक्त हैं ऋग्वेदा में, कुछ जो हिम्स हैं ऋग्वेदा में, वो कैसे हैं, डायलॉग की फॉर्म में हैं. कि मान लीजिए कोई दो कन्वर्ट्स कर रहे हैं, किसी ने रिसाइट किया, देन उसको सुना गया, देन उसको लिखा गया, तो वो क्या है, डायलॉग फॉर्म में लिखा गया. तो इस तरह से जो है हिस्टोरियंस इंटरप्रेट करते हैं, स्टडी करते हैं ऋग्वेदा को. दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस. तो ऋग्वेदा में क्या है, जैसे हमने देखा कि तीन गॉड्स जो हैं काफ़ी प्रोमिनेंट थे, अग्नि, इंद्र एंड सोम. तो उसी तरह से रिवर्स जो है, जो नदियाँ थी, उनको एज गॉडेस पूजा जाता था. फाइन, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ऋग्वेदा के एक पार्ट में, एक हिम में क्या है कि एक डायलॉग है, एक डायलॉग हो रहा है किसके बीच में, विश्वामित्र जो एक ऋषि हुए उनके बीच में एंड दो रिवर्स के बीच में. कौन सी दो रिवर्स, ब्यास एंड सतलज. और इनको जो है एज गॉडेस, देवी की तरह जो है पूजा की जाती थी इनकी. तो इस तरह से ऋग्वेद में हम ये भी लाइक एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो रिवर्स हैं उनको वर्शिप किया जाता था. रिवर्स का भी मेंशन फाउंड होता है ऋग्वेदास में. और किस तरह से हिस्टोरियंस इंटरप्रेट करते हैं कि ये एक डायलॉग फॉर्म में है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट का पेज है. ऋग्वेदास में जो जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो बाद में लिखी गई, तो उसका ये एक पेज है. तो इस तरह से जो है लैंग्वेज को यूज़ करते थे एंड इस तरह से जो है मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी. मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बाय हैंड लिखी जाती थी उस टाइम पे. दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्च बाग वॉज फाउंड इन कश्मीर. हमें ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये कश्मीर से मिलता है. अबाउट 150 ईयर्स अगो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन. इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे, महाराष्ट्र. तो पहले जो ये ऋग्वेद जो लिखी गई, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई, वो बाय हैंड लिखा जाता था. तो जो क्या है, जो ऋषि हुए या जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो स्क्राइब्स जो लिखते थे, उन्होंने बाय हैंड एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिख दी. उसके बहुत साल बाद क्या हुआ कि वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं धीरे धीरे
वैनिश होने लगी. मान लो इंसेक्ट्स खा गए उन्हें या कोई और इशू हो गया तो वो पेजेस गायब हो गए. तो हमें क्या है, वो ज़्यादा सोर्सेस मिलते नहीं हैं. तो जो मैंने एक एग्जांपल दिखाया, ये हमें एक मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी मिली और ये अभी जो है पुणे की लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है. तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में, और जो लोकल लैंग्वेज थी उस टाइम पे वो क्या थी, प्राकृत. फाइन. एंड तमिल ऑल्सो वॉज इज अ वेरी वेरी एंशियंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. इसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे ऋग वेदास में बहुत सारे प्रेयर्स होते थे. किस चीज़ के लिए प्रे करते थे लोग? प्रे करते थे कैटल के लिए, चिल्ड्रन स्पेशली, सन्स एंड हॉर्सेस. तो इससे हम एक चीज़ क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे इम्पोर्टेंस थी. किसकी इम्पोर्टेंस थी? कैटल की इम्पोर्टेंस थी. फाइन. कैटल की इम्पोर्टेंस थी, चिल्ड्रन स्पेशली सन, कि एक मेल आयर हो, एक जो बच्चा है मेल बच्चा हो, एक बेटा पैदा हो, उसकी ज़्यादा उस टाइम पे वैल्यू थी. एंड हॉर्सेस की. फाइन. तो इन चीज़ों के लिए लोग जो है प्रे करते थे कि हमारे यहाँ ज़्यादा कैटल हो एंड चिल्ड्रन स्पेशली सन एंड हॉर्सेस. Horses were used in battles which were fought to capture cattle. बहुत सारे उस टाइम पे battles भी होते थे, लड़ाइयाँ होती थी. किन किन बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती थी? लड़ाइयाँ होती थी कि ताकि cattle को capture कर सकें. Cattle उस टाइम गाय को बहुत ज़्यादा पूजा जाता था. Fine. तो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी ताकि हम cattle को capture कर पाएँ. और उन लड़ाइयों में horses यूज़ होते थे, चैरियट्स यूज़ होते थे. चैरियट क्या होता है? बेसिकली रथ है, कि हॉर्सेस को आपने टाई कर दिया है चैरियट से एंड उससे क्या है, बैटल्स लड़ी जाती थी. फाइन. तो बैटल्स लड़ते थे ताकि कैटल को कैप्चर कर सकें. बैटल्स लड़ते थे पानी के लिए, वो तो आज भी लड़ रहे हैं. एंड टू कैप्चर पीपल ऑल्सो. तो बैटल्स के क्या क्या पर्पस थे? बैटल्स किन किन रीज़न की वजह से होती थी? कैटल को कैप्चर करने के लिए, लोगों को कैप्चर करने के लिए एंड पानी के लिए. तो ऋग वैदिक पीरियड में लोग बैटल्स लड़ते थे इन इन रीजंस की वजह से. सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स. Some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people. मान लो बैटल हुई, लड़ाई हुई, तो उसमें थोड़ी वेल्थ भी आएगी. तो जो वेल्थ जो आती थी वो मान लो कुछ जो पोर्शन है लीडर्स ने रख लिया, कुछ जो है प्रीस्ट को दे दिया, जो पूजा करते थे, जो पुजारी थे, जो ब्राह्मिन्स होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो बाकी बची हुई वेल्थ थी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था, कि लीडर्स कुछ पोर्शन रखते थे, कुछ पोर्शन प्रीस्ट को दिया जाता था, जो पुजारी थे उनको दिया जाता था, एंड बाकी बचा हुआ पोर्शन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था. सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और सैक्रिफाइसेस in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. इसका क्या मतलब है कि कुछ वेल्थ जो है यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के लिए रखा जाता था. जैसे कि मान लो यज्ञ करने जो होते थे, तो जो यज्ञ करते थे जिसमें कुछ ऑफरिंग्स भी प्रोवाइड करते थे, जैसे हम यज्ञ करते हैं घी से. फाइन. तो ऐसे मान लो उस टाइम पर जैसे एनिमल्स भी सेक्रीफाइस होते थे, तो इन कुछ यज्ञ परफॉर्म करने के लिए भी कुछ वेल्थ को रखा जाता था. ये जो होते थे, ये यज्ञ किसके लिए होते थे? गॉड्स एंड गॉडेसेस को खुश करने के लिए. तो इसलिए जो है ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे. फाइन.
यहाँ हम ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं. मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स. वुमेन का हमें ज़्यादा अकाउंट नहीं मिलता है क्योंकि मोस्टली जो है मैन ही इन वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे. देर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. कोई पर्टिकुलर कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी. ऐसा नहीं था कि कोई एक लड़ाई होगी तो ये जो हमारी आर्मी है यही पार्टिसिपेट करेगी. ऐसा कुछ नहीं था. फाइन, लेकिन कुछ असेंबलीज होती थी जैसे लोग इकट्ठे होते थे, आपस में बात करते थे, डिस्कस करते थे कि वॉर को और पीस को कैसे कंक्लूड किया जाए या कैसे स्टार्ट किया जाए. तो इन मैटर्स पे डिस्कशन होता था उन असेंबलीज में. तो क्या होता था कि असेंबलीज होती थी लेकिन कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी पर्टिकुलर वॉर को लाइक फाइट करने के लिए. ये जो असेंबलीज थी इनका एक और काम था कि ये लीडर्स को चूज करते थे. मान लो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, अपनी सभा बनाई, अपनी असेंबली बनाई, तो उसमें ये डिस्कशंस करेंगे, मैटर्स को डिस्कस करेंगे और लीडर्स को भी चूज करेंगे. वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. देर आर टू ग्रुप्स who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals and the Rajas. तो दो टाइप के जो हैं हमें यहाँ पे लोग मिलते हैं. पहले कौन? Priests. तो यहाँ पे दो टाइप के जो हैं लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है. पहला ग्रुप जो है वो प्रीस्ट या फिर ब्राह्मिन्स का है जो कि पूजा करते थे या जो बहुत सारे रिचुअल्स हुए उनको परफॉर्म करते थे. तो ये काम किनका था? प्रीस्ट या फिर ब्राह्मिन्स का, जो पुजारी होते थे. सेकंड जो ग्रुप है वो है राजास. तो ये जो हम नॉर्मल समझते हैं कि किंग, ये राजा वो वाला किंग नहीं है. फाइन, इस राजा का मतलब किंग से नहीं है. जो किंग जो रूलर होते थे वहाँ, जैसे जो हम नॉर्मल समझते हैं कि ये राजा हुए जैसे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये सब जो राजा हुए, ये राजा यहाँ पे उस राजा को डिनोट नहीं करता है. ये राजा ना तो जैसे हेरिडेटरी रूलर होते थे ना ये वो होते थे, ये सिर्फ लीडर्स होते थे. फाइन, तो इस राजा का मतलब आप किंग से मत समझना. ये राजास किंग नहीं थे. फाइन, ये कौन थे? ये लीडर्स थे. द राजास डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस. ये राजा वो राजा नहीं थे. नॉर्मल जो किंग्स हुए हैं उनके पास उनकी कैपिटल सिटीज होती थी, उनके महल होते थे, उनकी आर्मीज होती थी, वो टैक्स कलेक्ट करते थे. लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजाज हुए वो उनकी ना कोई कैपिटल सिटी थी, ना कोई उनके महल होते थे, ना कोई उनके पास आर्मी होती थी, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे. और जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा. ऐसा नहीं था कि ऋग्वेदिक पीरियड में जो राजा है, जो रूलर है, उसका बेटा ही रूलर बनेगा. तो ऐसी कोई जो प्रथा है वो भी नहीं थी वहाँ पे. फाइन, तो ये जो राजा है ये किंग के इक्विवेलेंट नहीं है. जो हम किंग से जो वो ऋग्वेदिक पीरियड में राजा नहीं इक्विवेलेंट था किंग के. Two words were used to describe the people or the community as a whole. जो community, जो लोग वहाँ पे रहते थे उसको describe करने के लिए दो words use करे गए. कौन से दो words use करे गए? एक था जना, दूसरा था विश. Fine? One was the word जना which we still use in Hindi and other languages. हम ये कहते हैं ना जन, बहुत सारे जन हैं. तो वो वर्ड कहाँ से आया है? ऋग्वेदिक पीरियड
जना से, जना क्या है, जो हम बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज़ किया गया जना, जो हम स्टिल प्रेजेंटली भी यूज़ करते हैं. दूसरा वर्ड क्या है, विश. द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश. जो वर्ड जो लेटर ऋग्वेदिक सोसाइटीज़ में, जो लेटर पीरियड्स आए, उसमें चार डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस हुए ना, जैसे ब्राह्मणा, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्रास. तो उसमें जो टर्म था वैश्याज, जो कि ट्रेडर्स होते थे, ये वर्ड कहाँ से आया, ये इसी विश वर्ड से आया. इसका क्या मतलब है, कम्युनिटी एट अ लार्ज. फाइन, तो ये दो वर्ड्स जो हैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते थे. सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड अ रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, द यदु जना और विश, एंड सो ऑन. तो ये जो वर्ड उस टाइम पे यूज़ हुआ, जना या फिर विश, जो कि एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए था, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे पुरुजना, जो भारत ट्राइब हुई, जो भारत जना, जो भारत विश हुए, तो उसके लिए भी हमने ये टर्म यूज़ करे. जैसे यदुजना, यदु ट्राइब, यदु विश. फाइन, तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. कुछ जनास, कुछ ट्राइब, कुछ विश के ये एग्जाम्पल हैं. जैसे पुरुजना, भारत जना, जैसे जो हम महाभारत में जो हम कौरव पांडव देखते हैं, वो भी क्या है, जना थे. ठीक है, ट्राइब थी ना उनकी एक, तो उनको, उनके लिए हमने क्या टर्म यूज किया, जना और विश. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यास एंड कॉल देयर ओपोनेंट्स दासास और दस्युस. ये क्या है कि जो लोग हिम्स को कंपोज करते थे, जो कंपोज करते थे, उन्होंने खुद को क्या डिस्क्राइब किया कि हम आर्यास हैं. फाइन, जो हम बोलते हैं ना कि आर्यन ट्राइब्स, वो क्या है कि जो लोग हिम्स को कंपोज करते थे, उन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया कि हम आर्यंस हैं, आर्यास हैं. और उनके ओपोनेंट्स क्या हुए, दासास या फिर दस्युस. तो ये क्या है, दो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं. आर्यास जो कि हिम्स को कंपोज करते थे, उनके ओपोनेंट्स कौन, दासास और दस्युस. तो ये जो वर्ड है ना दासास, जहाँ से कि हम प्रेजेंट डे वर्ड दास बोलते हैं या फिर स्लेव बोलते हैं, वो वर्ड यहीं से आया है. दासास और दस्युस जो है, ये वर्ड जो है ना, दास, गुलाम, स्लेव, ये वर्ड कहाँ से आया है, यहीं से आया है. These were people who did not perform sacrifices and later the term das and the feminine dasi came to mean slave. ये वो लोग थे जो कि कोई sacrifices, कोई rituals perform नहीं करते थे. और ये जो word आया das, dasi, slave, ये कहाँ से आया, इसी word से आया है, dasas और dasyus से. Slaves were women and men who were often captured in war, they were treated as the property of their owners. जैसे कि मान लो battles हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को जो capture करते थे, मान लो हमने एक लड़ाई करी, हमने जिनको हराया, वहाँ से हमने लोगों को capture कर लिया, तो वो क्या हो गए, वो slaves हो गए. Slaves women भी थे, men भी थे. Fine? तो slaves जो थे वो owner की property थे. जैसे मान लो मैं लड़ाई में गई हूँ, मैंने लोगों को कैप्चर कर लिया, मैंने पांच लोग अपने अंडर कैप्चर कर लिए, तो वो क्या हो गए, मेरे स्लेव बन गए, मेरे गुलाम बन गए. तो मैं क्या हूँ, मैं ओनर हूँ. फाइन, तो इसलिए बोला गया कि वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स, कि मैं जैसे ट्रीट करूँगी उनको वैसे एक्सेप्ट करना होगा. तो वो क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए. फाइन, तो स्लेव्स को क्या है, प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था. साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. मेगालिथ्स क्या होते हैं, मेगालिथ्स बेसिकली स्टोन बोल्डर्स होते हैं. जो बड़े बड़े स्टोन्स हुए ना, उनको हमने मेगालिथ एक टर्म दे दिया.
These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. मान लो कोई मरने के बाद जैसे बरी करते हैं, तो जो बरियल साइट्स थी वहाँ पे ये जो मेगालिथ्स हैं उनको अरेंज कर देते थे लोग, ताकि ये मेगालिथ्स क्या बता सकें कि यहाँ पे एक बरियल साइट है. तो मेगालिथ्स वर व्हाट? इंडिकेटर, इंडिकेटर्स थे ये. किस चीज़ के? ऑफ बरियल साइट्स. फाइन, तो मेगालिथ्स क्या थे? बिग स्टोन्स, एंड दोज वर इंडिकेटर्स ऑफ बरियल साइट्स. कि जहाँ पे मेगालिथ्स हैं वहाँ पे हम समझ जाएं कि यहाँ पे एक बरियल साइट है. और इस तरह से जो है लोग अरेंज कर देते थे मेगालिथ्स को. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगैन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. तो ये जो प्रैक्टिस है मेगालिथ्स की, ये 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई. और ये डेक्कन में जो साउथ इंडिया पोर्शन है हमारा, पेनिनसुलर इंडिया का जो पोर्शन है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर रीजन में ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे कि यहाँ पे हम मेगालिथ्स को इरेक्ट कर देंगे. और मेगालिथ्स बताएगा कि यहाँ पे क्या है? बरियल साइट है. फाइन, जैसे ये एक एग्जाम्पल है मेगालिथ का. दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट. इस टाइप के, ये थोड़ा पिक्चर, आई डोंट थिंक इट इज मच क्लियर. ओके, दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट. सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस. तो कुछ जो मेगालिथ्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता था, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एंट्रेंस के लिए एक होल बनाया जाता था कि उस होल के थ्रू क्या है? एंटर हो सके. फाइन, तो मेगालिथ्स क्या करते थे? मेगालिथ्स को इरेक्ट कर देते थे ताकि बरियल साइट्स को बता सके. ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. इसका मतलब क्या है कि जैसे जो लोग जिनको बरी करते थे उनमें जनरली क्या है? ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है उसके साथ बरी करते थे. मान लो एक बरियल साइट है, वहाँ पे किसी को बरी करना है, तो जो डेड था उसके साथ इन चीज़ों को भी बरी किया जाता था. ये एक कॉमन फीचर था बरी करने के लिए. फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस. आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन. आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं स्केलेटन के साथ वो प्रोबेबली उस डेड पर्सन के ही होंगे. जैसे कि कोई सपोज कोई मर गया, उसके बाद उसको बरी करना है, तो उसके साथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स को भी बरी कर दिया जाता था. जैसे एक एग्जांपल हमने देखा कि ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है उसको बरी कर देते थे. तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बरी कर दिया जाता था. वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल. तो ये क्या है कि मान लो कि कोई रिच है कोई पुअर है, तो किसी के साथ ज़्यादा सामान बरी कर दिया, किसी के साथ कम बरी कर दिया. तो इस तरीके के हमें बहुत सारे एग्जांपल्स सीखे. जैसे एक स्केलेटन को बरी किया गया, उसके साथ 33 गोल्ड के बीड्स थे, 4 स्टोन के बीड्स थे, कॉपर के बीड्स थे, तो प्रोबेबली वो काफ़ी रिच रहा होगा ना, कोई अमीर आदमी रहा होगा इसीलिए उसके साथ इतना सामान बरी किया. कोई पुअर होगा उसके साथ इतना नहीं बरी करेंगे. तो ये क्या है, बरियल के भी अलग अलग टाइप्स थे. देर वॉज सम डिफरेंसेज इन स्टेटस अमंगस्ट द पीपल हु वर बरीड. सम वर रिच, अदर्स पुअर, सम चीफ्स, अदर्स फॉलोअर्स. मान लो कोई चीफ है, कोई रूलर है, तो उसके साथ भी क्या है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को बरी करेंगे. और जैसे जो स्लेव्स हुए, जो उसके फॉलोअर्स थे, उसके साथ इतनी चीज़ें बरी नहीं करेंगे. वर सम बरियल्स स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज. क्या ऐसा भी होता था कि
कि मान लो कोई एक बरियल स्पॉट है, कोई एक बरियल ग्राउंड है, वो कुछ ही फैमिलीज के लिए हो, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है. समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन. दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम. मान लो कि कोई डेड पर्सन है, उसको बरी करना है, तो सपोज ये स्पेस है, यहाँ पे उसको बरी करना है, तो इस स्पेस में अगर उस पर्सन को बरी कर दिया तो उसका कोई नेक्स्ट जो फैमिली मेम्बर होगा, जब उसकी डेथ होगी तो उसको भी इसके साथ ही यहीं पे बरी करेंगे. सेम टाइम पे तो नहीं, क्योंकि सपोज मान लो इसकी एक्स टाइम पे डेथ हुई, इसको यहाँ पे बरी कर दिया, फिर कुछ साल बाद किसी और की डेथ हुई, इसको यहाँ पे बरी कर दिया, तो ये क्या है कि सेम फैमिली के मेम्बर्स को यहाँ पे बरी किया, सेम फैमिली मेम्बर्स को बरी किया, लेकिन टाइम जो है सेम नहीं था. तो ये क्या हुआ कि सर्टेन फैमिलीज के लिए जो है बरियल स्पॉट्स थे. स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू. जो स्टोन सर्कल या जो पत्थर जो रखे जाते थे वहाँ पे, वो इंडिकेटर था कि हाँ यहीं पे बरियल साइट है, और जैसे उनको किसी और को बरी करना है तो इन स्टोन्स की हेल्प से वो वहाँ पे उस साइट पे जा सकते थे एंड देन बरी कर सकते थे. तो ये स्टोन सर्कल किस तरह एक्ट करते थे, साइन पोस्ट की तरह, ये बताते थे कि हाँ ये साइन है, यहाँ पे बरियल साइट है, यहाँ आ जाओ. A special burial at Imamgaon. It is a site on the river Gode, a tributary of the Bhima. Bhima ki ek tributary hai river Gode. To yahan pe ye site hai. Kaun si site? Yahan pe ye jagah hai Imamgaon. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. To Imamgaon jo jagah hai, ye river Bhima ki tributary jo hai, गोड वहाँ पे लाई करती है ये साइट इमामगांव. और कितने साल पहले हम बात कर रहे हैं, लगभग 3600 and 2700 ईयर्स पहले की. तो यहाँ पे हमें जो बरियल साइट मिलती है, यहाँ पे क्या हुआ कि अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ. फाइन, जैसे मान लो ये नॉर्थ है तो उनका जो हेड होगा ना वो नॉर्थ को पॉइंट करेगा. फाइन. यहाँ पे क्या है, इमामगांव में ये स्पेशल फीचर था. क्या फीचर था कि जो लोग, जो अडल्ट जिनको बरी करते थे, उनको सीधा स्ट्रेट लिटाकर और उनका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ होता था. फाइन. तो ये भी एक क्या है, बरियल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें इमामगांव से मिलता है. क्या मिलता है कि उसका जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा. फाइन. तो ये भी एक बरियल कैरेक्टरिस्टिक है. ऑक्यूपेशन एट इमामगांव. इमामगांव पे क्या ऑक्यूपेशन थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम. तो ये क्या है, इन सभी के सीड्स जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं. तो प्रोबेबली इमामगांव में जो लोग थे उनके पास ये सारे सोर्सेस थे. क्या थे, व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स. तो उस टाइम पे ये सब वहाँ पे अवेलेबल था, ये एविडेंस मिला आर्कियोलॉजिस्ट को. बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड हैव आल्सो बीन फाउंड. जैसे जो हंटिंग करते थे, जो शिकार करते थे एनिमल्स का, तो काफ़ी एनिमल्स की जो है बोन्स भी वहाँ पे मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. तो प्रोबेबली उनको खाने की तरह यूज़ किया गया, वो उनको कट मारे होंगे, फिर खाया होगा, फिर उनकी बोन्स रह गई होंगी. तो वो बोन्स क्या है, एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को. कौन कौन से एनिमल्स, दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिक. सांबर भी एक टाइप ऑफ डियर ही है. Spotted deer, blackbuck, antelope, hare, mongoose, beside birds, crocodile, turtle, crab, fish. तो ये सभी क्या हैं, animals हैं जिनकी bones हमें as evidence मिली हैं.
There is evidence that fruits such as ber, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. और भी हमें क्या एविडेंस मिला कि फ्रूट्स भी वो लोग कलेक्ट करते थे, जैसे बेर कलेक्ट करते थे, आमला कलेक्ट करते थे, जामुन कलेक्ट करते थे, डेट्स खजूर कलेक्ट करते थे, बेरीज कलेक्ट करते थे, तो ये सभी चीज़ें उस टाइम पे कलेक्ट करते थे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि बुक्स और बरियल्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। बुक्स में हमने देखा कि हमारे पास चार जो हैं ओल्डेस्ट बुक्स हैं वर्ल्ड की, चार वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेद है। हमने उसके थ्री इंपॉर्टेंट गॉड्स देखे, रिवर एज गॉडेसेस देखी। बरियल साइट्स हमें क्या क्या बताती हैं, हमने मेगालिथ्स के बारे में पढ़ा कि मेगालिथ्स क्या है, एक इंडिकेटर है बरियल साइट का, कि लोग बरियल साइट्स पे क्या क्या बरी करते थे, ऑब्जेक्ट्स बरी करते थे। उसके बाद हमने देखा कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस मिले हैं बरियल साइट्स के, एंड जैसे ये फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, तो ये सारा क्या है, ये एविडेंस है, ये हमें हिस्टोरियंस को हिस्ट्री को बेटर इंटरप्रेट करने के लिए इन सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 4 जो है फिनिश कर लिया हिस्ट्री का। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।